नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी राजकोट में हूँ और राजकोट का ये मेरे होटल से व्यू आपको दिख रहा है। ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड का व्यू। आइए ये वीडियो शुरू करते हैं और आज हम यहाँ बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक का यात्रा करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे, बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ आप भी इस सफर को एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं। और ये हमारे होटल के रिसेप्शन की तरफ से पूरा व्यू है। ये आपको लोकल बसें जो चलती हैं और ये जो पोरबंदर और राजकोट जो बस चलती है वो खड़ी है इधर, उधर भी बसें हैं। और ये इधर बस स्टैंड पास में ये भाई यहाँ पानी डाल रहा है। और ये रिसेप्शन का व्यू है, ये यहाँ पे आपको भाई साहब मिल जाते हैं, ये सब हिसाब किताब। आइए चलते हैं। और ये बस स्टैंड की दूसरी तरफ हम आ गए हैं, मेन जो फ्रंट है वहाँ से ये पूरा व्यू सामने का। बसें आ रही हैं, जा रही हैं, ये बस अंदर जा रही है देखिए। तो ये यहाँ का पूरा, अभी स्टेशन चलते हैं। दिनेश भाई, ये दिनेश भाई के साथ हम बैठ गए हैं अभी ऑटो में और यहाँ से बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक इनके साथ चलने वाले हैं। आप भी ये राजकोट शहर का वीडियो में आनंद ले, देखें राजकोट शहर को। काफ़ी बिजी शहर है ये, काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ रहती है। और ये यहाँ एक दरगाह है शायद, या मुझे पक्का तो नहीं पता लेकिन काफ़ी पुराना ये है यहाँ पर। दिनेश भाई ये क्या दरगाह है क्या? ये दरगाह ही है, दिनेश भाई ने कंफर्म किया है कि ये दरगाह है। आप मुझे बताते रहना कौन सा जगह आ रहा है, ये कौन सा सिग्नल आ गया अपना। दिनेश भाई कम बोलते हैं वैसे, एक एक आदमी की अपनी अपनी एक खासियत होती है, उस हिसाब से ये सिग्नल पे अभी हम पहुंच गए हैं। और सिग्नल अभी रेड है, टाइम चल रहा है इसमें 86, 85, 84। और ये हमारा सिग्नल ग्रीन होते ही टेम्पो वाले भाई साहब ने आगे बढ़ा दिया है। एक चीज़ देखी है जहाँ यहाँ पे राजकोट में बहुत पुराना शहर है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, बिल्डिंग वगैरह मार्केट के अंदर, जिनसे पता चलता है कि बहुत पुरानी है। जैसे कल यदि आपने वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो मैंने जामनगर आता है मेरे को, क्योंकि अभी जामनगर जाना है। तो राजकोट शहर में मैंने सिटी का वीडियो बनाया था और उसमें पुरानी एक लाइब्रेरी 1880 की बनी हुई थी वो लाइब्रेरी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर पुरानी हैं, वो भी हमें देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी पुराना शहर है और गांधी जी का यहाँ पर बहुत सारा टाइम निकला है इस शहर के अंदर, बहुत ही अच्छा शहर। और ये आपको नाश्ता खाना जो गुजराती खाना होता है वो आपको हर जगह, हर नुक्कड़ पे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर रोड के ऊपर देखने को मिल जाता है। आपको जो भी गुजराती खाना खाना हो आपको मिल जाता है और ज़्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं है, 20-30 रुपए में आप भर पेट नाश्ता कर सकते हैं। और ये अंदर की गली से निकल के हम अभी मेन रोड, थोड़ा सा मेन रोड, ज़्यादा मेन तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मेन रोड का चौराया आ गया, सिग्नल आ गया। तो यहाँ सिग्नल नहीं है लेकिन चौराया बना हुआ है,
और ये आपकी स्क्रीन पे देखें तो काफ़ी पुरानी एक बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे। और इधर ये अभी हम रेलवे स्टेशन की तरफ चल रहे हैं। इधर बाजू में सब्जी मार्केट है, ये देखिए भाजी एंड वेजिटेबल मार्केट, अंदर पूरा ये मार्केट है सब्जी का, ये आप देख सकते हैं सब्जियां यहाँ से ले लेंगे लोग, फ्रूट यहाँ से ले लेंगे लोग, निकले हैं। और ये यहाँ का मेन जो रोड है एयरपोर्ट अपना सॉरी स्टेशन जाने का, वो रोड है स्टेशन वाला, एयरपोर्ट का वीडियो आगे आपको मिलेगा। ये स्टेशन का रोड बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन राजकोट, सामने वाला बिल्डिंग कौन है? और ये सामने का जो बिल्डिंग आ गया यहाँ पर, ये यहाँ कोर्ट है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन सा कोर्ट है ये यहाँ पर, ये देखिए आप। और ये यहाँ का पूरा हिसाब किताब। और ये यहाँ एक चर्च है, राजकोट चर्च। और सामने एक ब्रिज आ गया, अभी ब्रिज के नीचे RMC लिखा हुआ है। RMC इसका क्या मतलब है, राजकोट वाले कोई देख रहा है तो ज़रूर बताएं। दिनेश भाई RMC का मतलब क्या हुआ, आप ही बता दें। हैं राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया राजकोट म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन RMC, ये इसका हमें पता चल गया अभी, दिनेश भाई ने हमें बता दिया RMC का मतलब। और ये भी हम स्टेशन की तरफ चल रहे हैं। और ये स्टेशन का एरिया आ गया, अभी मंडल कार्यालय वगैरह दिखने लग गए हैं। और ये दूसरा ऑटो भाई साहब खाली जा रहे हैं, बहुत स्पीड से आगे निकल गए हैं हमारे से क्रॉस करते हुए। दिनेश भाई ने बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि हम शूटिंग कर रहे थे और रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आराम आराम से हमें दिखाते हुए चल रहे हैं। और ये राजकोट का गति शक्ति यूनिट का ऑफिस। और ये रोड साइड में सब्जी और फ्रूट बेचे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, ये यहाँ मैडम भी बेच रही हैं, ये देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे लोग तरह तरह की सब्जियाँ लेके बैठे हुए हैं। और ये राजकोट का इंजीनियर सेक्शन, सीनियर इंजीनियर सेक्शन आ गया। और ये राजकोट का मेन एंट्रेंस आने वाला है अभी। ये राजकोट रेलवे स्टेशन आपकी स्क्रीन पे ही देखिए आ गया होगा, ये राजकोट है। ये बड़े बड़े गेट आर्च बना रखे हैं, ये आउट होने के लिए एग्जिट का गेट है और आगे एंट्री का गेट हमें मिलने वाला है। साफ सफाई यहाँ ठीक ठाक है, अच्छी सफाई यहाँ रखी जा रही है। और ये फ्रंट साइड से राजकोट का ऊपर एक रेल का इंजन खड़ा कर रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा। और ये राजकोट रेलवे स्टेशन का मेन, यहाँ पर एक इंजन खड़ा कर रखा है। और ये मेन गेट आने वाला है स्टेशन पे, इंजन आपको जगह जगह खड़े मिल जाते हैं। और ये हमारा झंडा ऊंचा रहे सदा। और ये मेन बिल्डिंग इसकी, और ये एंट्री गेट यहाँ आ गया है। और ये भाई साहब ने बोल दिया कि स्टेशन आ गया है, उतर जाओ। और ये दिनेश भाई का ऑटो। और ये यहाँ का पूरा हिसाब किताब, गन्ने का जूस पीना था लेकिन ये भाई साहब तो है बैठे हैं, जो मालिक है वो कहीं गया है, तो देखेंगे बाद में, आइए अंदर चलते हैं। और ये मेन रेलवे स्टेशन का एंट्री गेट। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।